A very good morning and warm welcome to my dear children. Hope you all are safe at home. Let us begin with our subject English Unit 2, Time for Everything. Poem number 9, Time for Everything. There is a time to run and a time to walk. There is a time for silence, a time for talk. There is a time for work and a time for play. There is a time for sleep at the close of day. There is a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and a time to sit. But that the time and actions fit. Dear children, let me first clear you that in this there apostrophe S means there is. It's a short form of there is. Okay? This poem on time tells us that there is a time for everything. There is a time to run. There is a time to walk. There is a time when we should keep silent. And also there is a time when we should talk. There is a time when we should work. There is a time when we should play. There is a time for when we sleep at the end of the day, for children as well as for adults. There should be a particular time for everything that we do. We should even stand up and sit down at the correct time. However, the poet says in the end that we should take care that the time and actions match. This is a beautiful poem related to our day-to-day life, and it is also related to time. Unit 2 or lesson number 9, Time for Everything. Time for everything का मतलब होता है हर काम का, हर एक्शन का, हर चीज़ का एक वक्त होता है. जब उस एक्शन को सही वक्त पर किया जाए तो वो एक्शन सही होता है. ये बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही अहम लेसन है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा. मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ. खाना खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने रोज़ा रखा है, जैसे रमज़ान में हम सब रोज़ा रखते हैं, और रोज़े में खाना सही नहीं है, मतलब वो जो एक्शन है खाने का वो उस वक्त पे सही नहीं है. बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम किसी की स्पीच सुन रहे हैं हॉल में बैठकर, उस दौरान बात करना सही नहीं है. मतलब एक्शन, हमारा काम और वक्त दोनों फिट होना चाहिए. हर चीज़ का एक वक्त होता है और हमें उसको उस वक्त पर ही करनी चाहिए. सोना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोने का सही वक्त रात को है, जब हम सारे काम से फ्री हो जाएं, उसके बाद में हमको सोना चाहिए. अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और उस वक्त हम सोते हैं, देन इट इज़ नॉट अ राइट टाइम टू स्लीप. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल, वेदर यू आर अ किड, वेदर यू आर अ चाइल्ड और वेदर यू आर ग्रोन अप, You and I, we should understand the importance of time, and we should also understand there is a time for everything. अब मैं इसको read करके आपको समझाता हूँ. There's, अब अगर आप देखें इस lesson में, सबसे पहले जो start हुआ है वो है there's. There's जो है ये contraction है. It is a contraction of there and is. There's a time to run and a time to walk. भागने का भी एक वक्त होता है और चलने का भी एक वक्त होता है.
there is a time for silence and time for talk. खामोश रहने का भी वक्त होता है और बात करने का एक वक्त होता है. कई मर्तबा ऐसा होता है जब हमको खामोश रहना चाहिए, तो उस वक्त हमको खामोश रहना चाहिए, वहां पर हमें बोलना नहीं चाहिए. और जब हमें बोलना चाहिए वहां पर हमें खामोश रहना नहीं चाहिए. There is a time for work and a time for play. काम करने का भी एक वक्त है और खेलने का भी एक वक्त है. मतलब जब काम करने का वक्त हो तब आपको काम करना चाहिए, जब खेलने का वक्त हो तब आपको खेलना चाहिए. ऐसा ना हो कि खेलने का वक्त हो आप काम कर रहे हैं, या काम करने का वक्त हो या पढ़ाई करने का वक्त हो आप खेल रहे हैं. There is a time for sleep at the close of the day. और सोने का वक्त कब है? जब पूरा दिन खत्म हो जाए, हम अपने काम से फ्री हो जाएं, फारिग हो जाएं, उसके बाद हमें सोना होता है. फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स टू, मतलब ये जो सबक है कि हर काम का एक सही वक्त होता है और उसी वक्त पे उस काम को करना चाहिए, ये बच्चों के लिए भी है और जो ग्रोन अप्स हैं, ग्रोन अप्स का मतलब होता है जो बड़े हो गए हैं, हमारे अब्बू या हमारी अम्मी या हमारा बड़ा भाई या हमारी बड़ी बहन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनको ये बात समझनी चाहिए कि हर काम का एक सही वक्त होता है. अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सिट, खड़े रहने का भी एक वक्त है और बैठने का भी एक वक्त है. बट सी दैट द टाइम एंड एक्शंस फिट, और हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए. बट सी का मतलब यहाँ पर, सी का मतलब देखना नहीं है लिटरली, बट सी का मतलब होता है इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए. लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो एक्शन है, हम जो काम कर रहे हैं, वो वक्त और एक्शन दोनों फिट होना चाहिए. तो ये था आज का वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे. एंड रिमेंबर, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. वी शुड ऑलवेज डू the actions at the right time. All right, so thank you so much for listening to me. और मेरी अम्मी जिनका नाम राबिया है, मैं उनको बाबिया बुलाया करता था, आप उनकी मगफिरत कीजिए.